हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गलेक्सी M34 5G में आप बैकअप एंड रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अकाउंट्स एंड बैकअप की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप दो तरीके से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। पहला है सैमसंग क्लाउड और दूसरा है गूगल ड्राइव। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम शाम पे सैमसंग क्लाउड से कर लेते हैं। बैकअप डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने सैमसंग अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जिस भी ऐप का डाटा बैकअप करना है आपको उसे सिंपली यहाँ से ऑन कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे कॉल लॉक्स का कर लेती हूँ। ये मैंने कॉल लॉक्स का यहाँ से ऑन किया एंड देन आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगी बैकअप नाउ की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूज मोबाइल डाटा एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकअप क्रिएट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकअप जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकअप क्रिएट हो चुका है एंड देन आपको यहाँ पे नीचे डन पे क्लिक कर देना है एंड देन डाटा को रिस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी रिस्टोर डाटा की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी ईमेल से वेरीफाई कर लेना है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस भी ऐप का डाटा आप रिस्टोर करना चाहते हैं एंड देन आपको यहाँ पे नीचे रिस्टोर पे क्लिक कर देना है ऐसे यूज़ मोबाइल डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं।